Hello, hi, good morning, students. How are you all? So, it's winter and it's too cold. <clears throat> and we are starting our new semester, semester 2nd. I am your SST educator, Mr. Rizuddin Kapadia. And we are going to start from today, our semester number 2. Please take out your semester number 2 book. वी विल स्टार्टवर सेमेस्टर नंबर टू एंड वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर फर्स्ट दहली हम्म दिल्ली तो जगह का नाम है फिर चैप्टर कैसे आ गया सेमिस्टर hmm, सेकेंड so ना आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें मेनली तो आप सबसे पहले चार सिटीज के बारे में जानेंगे जिसको हम कहते हैं इंडिया की मेट्रोपोलिटियन सिटीज ठीक है इंडिया की, इंडिया की चार बिगेस्ट सिटीज बिगेस्ट सिटीज़ में से हमारे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। इसको दिल्ली भी बोलते हैं बहुत लोग बट एक्चुअली नाम क्या है दहली ओके okay? दिल्ली बोलचाल की भाषा में बोला जाता है ओके सो स्टार्ट करें हम चैप्टर चलो उसके पहले आ, दिल्ली आप में से या दहली आप में से कौन कौन जा चुका है और जो चाह चुका है वो मेमोराइज़ करो कि उन्होंने दहली में क्या देखा था ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हम विद अवर न्यू चैप्टर दहली चैप्टर नंबर फर्स्ट दहली स्टेपिंग स्टोन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या लोकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिस दिल्ली है कहां कहां पर स्थित है दिल्ली इकोनॉमी यूटिलिटी सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वहां पर ट्रांसपोर्ट कैसा है वहां पर क्या क्या सर्विसेज है गवर्नमेंट कैपिटल है ना इंडिया की तो कैपिटल है तो कुछ दूसरे शहर से तो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास होना चाहिए क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ पे वहाँ के लोग कैसे हैं कल्चर कैसा है वहाँ पे क्या खाया जाता है फूड क्या है वहाँ पे देखने लायक जगह क्या क्या है बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स म्यूजियम एंड फेयर मीन्स अगर हम दिल्ली घूमने जाएंगे तो हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए शॉपिंग मॉल्स एंड अम्यूज़मेंट पार्क्स वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स तो आज सब जगह होते हैं वहां पे कौन से शॉपिंग मॉल है अम्यूजमेंट पार्क्स मतलब घूमने फिरने की जो जगह होती है अम्यूजमेंट पार्क मीन्स आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊ तो हमारे यहाँ मेला लगता है ना पशुपतिनाथ जी का वैसे ही वहां पर ऐसे कोई मेला नहीं लगता वहां पे ऑल टाइम का मेला होता है ट्वेल्व मंथ्स का वो होता है आपका अम्यूजमेंट पार्क वहां पर आप तरह तरह के झूले लगे होते हैं पार्क में आप जाके झूलो वहां पर ओके सो so, स्टार्ट करते हैं विदऑअ चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ सेमिस्टर सेकेंड दहली न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली क्या है कैपिटल ऑफ इंडिया है क्या है कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मैंने खाली दिल्ली नहीं बोला हमारा चैप्टर का नाम क्या है दिल्ली और यहां ये यह क्या कह रहे हैं न्यू दिल्ली फ़र्क है दोनों में आगे पढ़ेंगे क्या फ़र्क है इट इज़ लोकली नॉन एज दिल्ली इसको क्या कहा जाता है दिल्ली इट इज़ बिलीव डेट द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ड बाई पांडवास पांडवा पांडव को जानते हो महाभारत अभी लॉकडाउन में महाभारत भी आया है टीवी पे रामायण भी आया है आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा तो ऐसा कहा जाता है कि किसने बनाई था बनाया था दहली को पांडव ने बनाया था आफ्टर थाउजेंड ऑफ इयर्स एम्पायर शाहजहां रीबिल्ड द सिटी पांडव ने तो बनाया था उसके बाद एक शाहजहां नाम का राजा आया था उसने उस सिटी को वापस से अपने तरीके से उसको रीबिल्ड कराया था रीबिल्ड कराया ना री करा मतलब जैसे हम हमारा घर होता है कई बार हम हमारे घर में वापस से काम करवाते ना रिनोवेशन बोलते जिसको हम तो वैसे ही पांडव के टाइम पे जो दिल्ली था उसको शाहजहां ने रिनोवेट कराया था अब शाहजहां कौन था वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ की याद में मुमताज की याद में और ताजमहल है कहाँ आगरा में उसी शाहजहां ने दिल्ली को रिबिल्ड करवाया उसको मॉडर्न करवाया उस टाइम के अकॉर्डिंग एंड कॉल्ड इट शाहजहाबाद और उसको अपना नाम दे दिया उसका नाम शाहजहां था तो उसने उसका नाम क्या कर दिया दिल्ली का शाहजहाबाद न्यू दिल्ली वॉज प्लान बाई एड्रिय ल्यूटस एंड सर हैब्रिड बॉकर अब शाहजहां और इन राजाओं के काल के बाद भारत में कौन आए ब्रिटिशर्स आए अंग्रेज आए तो अंग्रेजों में से दो जने थे एडवर्ड ल्यूटियंस एंड सर हारब्रिड बॉकर इन्होंने एक नई सिटी प्लान करी जिसका नाम था न्यू दिल्ली ओके एंड मेक इट कैपिटल एज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल और उस उन्होंने उस कैपिट उसको एज द कैपिटल ऑफ इंडिया प्लान किया मीन्स जो दिल्ली था दिल्ली तो था पर जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ थोड़ा मॉडर्नाइज हो जाता है जैसे मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मंदसौर है मंदसौर में ना आप लोगों ने मंदसौर देखा है तो पहले के टाइम पे ना मंदसौर जैसे हमारे दादाजी वगैरह जो हमें बताते थे उनका ये कहना था कि पहले मंदसौर कहाँ तक था गांधी चौराहे तक था मीन्स गांधी चौराहे के आगे ना लोग रात को शाम को पाँच छः बजे के बाद जाने से डरते थे मैं उसके आगे कुछ भी नहीं था गांधी चौराहे के आगे गांधी चौराहे के आगे लोग जाने से डरते थे वहाँ जंगल ही था फिर धीरे 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 बड़ा और आपको पता है एक एक जगह है जिसको नई आबादी कहते हैं नई आबादी नई आबादी मीन्स न्यू आबादी न्यू बसा है तो वो नई आबादी है फिर नई आबादी से आगे आज मंदसौर बहुत आगे उसके आगे महाराणा प्रताप बस स्टैंड हो गया है अब राम टेकरी हो गया है उसके आगे मेघदूत कॉलोनी हो गई है बहुत बढ़ गया है मंसौर तो पहले मंसौर कहाँ था कंध रहता था और फिर बड़ा तो बढ़ के क्या बनी नई आबादी बनी तो वैसे ही वैसे ही दिल्ली जो पहला था उसके आगे अंग्रेजों ने प्लान करके उसको और बढ़ाया उसको और बड़ा किया तो जो नया पार्ट उन्होंने बनाया ना उसका नाम क्या डाला न्यू दिल्ली ओके तो न्यू दिल्ली आपको क्लियर हो गया ठीक है लोकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना हमारा मंदसौर कौन सी नदी के किनारे है शिवना नदी के किनारे तो वैसे ही दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है यमुना नदी के किनारे कौन सी नदी यमुना नदी दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा दिल्ली की एक तरफ कौन सा राज्य आता है उत्तर प्रदेश और एक तरफ हरियाणा आता है तो वो इन दोनों शहरों से बाउंड्रीज को शेयर करता है दिल्ली इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ऑल दिल्ली और ऑल दिल्ली और न्यू दिल्ली में आपको समझाई दिया कि पहले जो दिल्ली थी उसको ब्रिटिशर्स ने और मॉडर्नाइज करके और नया बढ़ाने का प्लान किया तो जो बड़ा हुआ नया पार्ट बनाया उसका नाम उन्होंने न्यू दिल्ली रखा ओके दिल्ली इन ऑफिशियल टर्म इज ऑल्सो नोन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और दिल्ली का एक और नाम क्या है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दिल्ली इज सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सारे काम कहाँ से होते हैं दिल्ली से ही होते हैं दिल्ली से होते हैं द प्रसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑफिस इन दिल्ली प्रधानमंत्री कहाँ से काम करते हैं दिल्ली से प्रेसिडेंट कहाँ से काम करते हैं दिल्ली से काम करते हैं सब दिल्ली से काम करते हैं तो ओके okay. सो सबका ऑफिस सारे कामकाज जो गवर्नमेंट के सारे मेन कामकाज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट कौन जो पूरा इंडिया संभाले और स्टेट गवर्नमेंट जो पूरा स्टेट संभाले जैसे हमारा स्टेट कौन सा है मध्य प्रदेश तो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान तो शिवराज सिंह चौहान सारा कामकाज मध्य प्रदेश का कहाँ से देखते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल तो वो भोपाल में रहकर पूरा मध्य प्रदेश का काम देखते हैं वैसे ही पूरे इंडिया का काम Uh, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है मिलकर कहां से देखते हैं न्यू दिल्ली से ओके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन राष्ट्रपति भवन गवर्नमेंट ऑफ द अदर कंट्री ऑल्सो हैव देयर ऑफिस इन दिल्ली दिल्ली विच आर नोन एज एम्बेसीज प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति भवन के बारे में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा घर माना जाता है ठीक है उसमें बहुत सारे कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में और वो किसको मिलता है प्रेसिडेंट को मिलता है और आपको एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ हम लोग हमारे इंडिया में बोलचाल में कौन बोलते हैं कि सबसे बड़ा कौन है हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री होता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है सबसे बड़ा प्रधानमंत्री से भी ऊपर किसकी पोस्ट है प्रेसिडेंट की पोस्ट है अगर प्रधानमंत्री को कोई कामकाज में पूछना पड़ेगा तो वो प्रेसिडेंट से पूछेंगे ठीक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट सबसे ज्यादा बड़ी है तो प्रधानमंत्री का नाम तो सबको याद है कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी बट हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछो तो आप लोग भूल जाते हो ठीक है तो कौन है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या लिख रहे हैं आगे गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिस इन दिल्ली दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट की भी दिल्ली में ऑफिस है ऐसा क्यों ऐसा क्यों किसी के पास है इसका जवाब ऐसा इसलिए क्योंकि सपो सपोज करो आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में गए जैसे हमारे यहाँ से लोग दुबई जाते हैं हमारे यहाँ से लोग कामकाज की तलाश में अफ्रीका जाते हैं हमारे यहाँ से लोग कुवैत वग़ैरह जाते हैं सो so, बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं अमेरिका जाते हैं तो अगर वहाँ पे वो किसी कामकाज में फंस गए या किसी चीज़ में फंस गए तो उनको हेल्प करने के लिए कोई अपना होना चाहिए ना जिसकी वो मदद ले सके तो आ, उसको कहते हैं एम्बिस हमारे इंडिया के लोग अगर अमेरिका में किसी कामकाज में फंस गए या किसी कुछ गल क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है दूसरे देशों में लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है या हम कहीं भी घूमने गए और हमें हम किसी चीज में किसी प्रॉब्लम में फंस गए और हमें मदद चाहिए तो वो वाले गवर्नमेंट के लोग तो हमको जानते नहीं है शायद वो हमारी भाषा भी ना समझ पाए तो हर देश में क्या होता है एक एम्बेसीज होती है मीन्स हमारे इंडिया का भी एक पर्सन अमेरिका में होगा इंडिया का एक पर्सन चाइना में होगा इंडिया का एक पर्सन दुबई में होगा अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी ना हम अगर उस कंट्री में रहते हैं हम जैसे यहाँ से दुबई या तो घूमने गए या रहते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम हुई ठीक है सो हम सो हम उस कं country... की जो एमबीसी है ना उनके पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे तो वैसे ही तो दूसरी कंट्री के भी तो लोग उनके कंट्री के लोग अगर हमारे इंडिया में आएंगे और उनको किसी मदद की जरूरत पड़ी तो उनको मदद करने के लिए होने चाहिए ना तो वैसे ही हमारे कंट्री में भी दूसरी कंट्री के लोग रहते हैं और इस सब पूरी चीज को क्या बोलते हैं एमबीसी आई होप आपको एमबीसी समझ में आया है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी यूटिलिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस दिल्ली शेयर्स गुड ट्रेड रिलेशंस विद स्टेट्स नज उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा मतलब दिल्ली के जो व्यापारिक संबंध है मींस हम एक हमारे स्टेट में ही कोई माल नहीं बेचते हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचते हैं जैसे हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम मंसौर सो मंसौर के पास क्या पड़ता है प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ कहाँ है राजस्थान में है ऐसा थोड़ी होता है कि खाली हम मंसर मंसर वालों के साथ ही व्यापार करते हैं हम कुछ कुछ आइटम्स राजस्थान से से परचेस करते हैं और हमारे एमपी में बेचते हैं कुछ चीज़ एम से राजस्थान जाती है तो वैसे ही दिल्ली अपने जो पड़ोसी देश राज्य है उत्तर प्रदेश और हरियाणा देखो यहाँ राज्य आएंगे क्योंकि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं सो स्टेट्स स्टेट्स के बीच में भी बिजनेस होता है और देशों के बीच में भी बिज़नेस होता है और बिजनेसेस में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस टेली हेल्थ और कम्युनिटी सर्विसेज जो भी सर्विसेज में जो भी चीज़ें आती है उस वो स, दिल्ली का सबसे इम्पॉटेंट पार्ट है दिल्ली में लोग ज़्यादातर इन्हीं बिजनेसेस या इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं ठीक है ठीके? दिल्ली हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दिल्ली की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या आता है स्कूल कॉलेजेस ठीक है यूनिवर्सिटीज़ ओके इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट करियर इन अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू पीपल और दहली से ही लोगों को दिल्ली में मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई से भी तरह का कोर्स से रिलेटेड सब कुछ है तो लोगों के लिए करियर की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको क्या करना है सब कुछ हर तरह के कॉलेजेस हर तरह की डिग्री सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दहली इज़ कैरिड आउट बाई गवर्नमेंट अलॉन्ग विद कंपनीज़ बाई टाटा पावर एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रिलायंस एनर्जीज रिलायंस एनर्जी रिलायंस इंडस्ट्री का ही पार्ट है ठीक है तो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है जो हमारा तो वो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है और मध्य प्रदेश का जो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है वो करता है पर दिल्ली बहुत बड़ा है तो दहली में ना जो दहली की गवर्नमेंट है ना उसने क्या कर रखा है उसको कंपनी को दे रखा है वहां दो दो कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है एक तो टाटा और एक रिलायंस ठीक है द सप्लाई ऑफ वाटर इज इन दिल्ली इज मैनेज्ड बाय दिल्ली जल बोर्ड और वहाँ पर वाटर कौन सप्लाई करता है दिल्ली जल बोर्ड वाटर सप्लाई करता है देखो अभी तक हमने अपन ने इसमें क्या पढ़ा अभी तक अपन ने पढ़ा ट्रेड रिलेशन सबसे ज़्यादा उसके मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली का सामान और दूसरे आ, स्टेट्स में नहीं जाता दूसरे स्टेट्स में जाता है पर पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जाता है ठीक है उत्तर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश ठीक है फिर कंस्ट्रक्शंस का पावर टेली और जो भी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आइटम्स उसमें उसमें दिल्ली के लोगों का उन उन चीज़ों में ज़्यादा जुड़े हुए हैं इवन दिल्ली से तो मतलब जैसे हम मोबाइल्स की एसेसरीज लाइक मोबाइल के कवर मोबाइल का एयरफोन इसके लिए तो दिल्ली बहुत फेमस मतलब मोबाइल की एसेसरीज के लिए दिल्ली बहुत फेमस है दिल्ली के आ, टी वीज़ दिल्ली का इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें पूरे इंडिया में चलती है तो मतलब दिल्ली का जो मार्केट है ट्रेड मार्केट है वो बहुत अच्छा है उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ जैसी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे गवर्नमेंट के थ्रू आती है ठीक है और हम तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको किसको दे रखा है इसको टाटा और रिलायंस को दे रखा है और दिल्ली के वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जिसको दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन दिल्ली आर प्रोवाइडेड बाय बसेस ऑटो रिक्शा लोकल ट्रेनस वहाँ पे जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन्स चलती है मुंबई की लोकल ट्रेन्स के बारे में तो हम मूवीज़ वग़ैरह में सीरियल्स वगैरह में देखते ही है कि वहाँ पर बहुत मुंबई बहुत बड़ा है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो लोकल ट्रेन का यूज़ करते हैं उसके वैसे ही दिल्ली में भी ऐसा ही है दिल्ली में बसेस चलती है सिटी बस जैसे हम इंदौर वगैरह में देखते हैं ना सिटी बस चलती है वैसे सिटी बस चलती है ऑटो रिक्शा चलती है लोकल ट्रेन चलती है इसमें टैक्सी नहीं बता रखा टैक्सीज भी चलती हैं और दिल्ली मेट्रो इज अदर पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है मेट्रो ट्रेन है और मेट्रो ट्रेन के लिमिटेड स्टेशंस और वो बहुत फास्ट चलती है ठीक है so, सो वो भी दिल्ली में अवेलेबल है देर आर बहुत डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेसिलिटीज़ इन दिल्ली और दहली में केवल ऐसा नहीं है कि खाली अपने ट्रेन बसेज ऑटो रिक्शा और यही चलती है लोकल ट्रेन चलती है ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ा उसके सिवा मेट्रो ट्रेन चलती है और यहाँ पर एयरपोर्ट है मीन्स वहाँ से प्लेन से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो वहां पर दो तरह के एयरपोर्ट है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट मतलब क्या होता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट मतलब आपको इंडिया इंडिया में कहीं जाना हो इंडिया में भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स है अलग अलग सिटीज़ में जैसे दिल्ली में है इंदौर में है हमारे एम में ठीक है तो दिल्ली मुंबई चेन्नई तो आपको इंडिया से इंडिया में ही कहीं जाना है जैसे मुझे दिल्ली से इंदौर जाना है तो मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में जाऊँगा और अगर मुझे इंडिया से बाहर जाना है तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है तो तो जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या नाम है उसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट है ओके एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न एयरपोर्ट इन एशिया पूरा एशिया हम हमारा कौन, हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट है ये और सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है मीन्स बहुत सारे प्लेन्स यहाँ पर आते जाते रहते हैं तो हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि न्यू दिल्ली कैपिटल इंडिया का पांडवज ने स्टार्ट किया था उसके बाद शाहजहां ने रीबिल्ड किया उसका नाम शाहजहां बाद रखा फिर ब्रिटिशर्स आए उन्होंने उसको न्यू दिल्ली नाम देकर एक नई सिटी और उसको बढ़ा कर प्लान किया ठीक है और यमुना के रिवर के बैंक के, के पास है ये दो पार्ट में डिवाइड है ऑल दिल्ली न्यू दिल्ली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं फिर हमने ट्रेड रिलेशंस और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा और हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर किसके थ्रू होती है रिलायंस और टाटा पावर के थ्रू अब हम दिल्ली का क्लाइमेट पीपल के बारे में और कौन सी कौन सी घूमने की जगह है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे टिल देन गुड बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे